हेलो स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं क्लास एट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है लेसन फिफ्टीन है एरिया जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट फिफ्टीन पॉइंट सिक्स देखने वाले स्टूडेंट ये जो प्रैक्टिस सेट फिफ्टीन पॉइंट सिक्स है ये पूरी तरह से सर्कल पर बेस है और सर्कल के एरिया का फार्मूला आपको पता ही होगा कि पाए आर स्क्वेयर ये सर्कल के एरिया का फार्मूला है और पाई की वैल्यू ये कभी थ्री भी ले सकते हो आप या ट्वेंटी टू दोनों भी सेम ही बात है ओके okay, तो so चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वन है रेडाई ऑफ सर्कल्स आर गिवन बिलो फाइंड देयर एरियाज रेडियस हमको देखकर है 28 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर 17.5 सेंटीमीटर उनके हिसाब से उनका एरिया हमको फाइंड आउट करना है तो चलो इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया है उसमें फर्स्ट है ट्वेंटी एट सेंटीमीटर अभी मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई आर स्क्यर ठीक है बस वैल्यूज पुट आउट करना है हो गया हमारा काम सो पाई मीन्स ट्वेंटी टू बाई सेवन है आर स्क्वायर मीन्स ट्वेंटी एट का स्क्र और कोई भी नंबर का स्क्वायर मतलब वही नंबर का वही नंबर से मल्टीप्लाई सो मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी एट यह है ट्वेंटी एट का स्क्वेयर सो सेवन वन जार सेवन और सेवन फोर जार ट्वेंटी एट है ना तो ये डिनोमीटर और न्यूमोनीटर आप कट कर सकते हो फिर फोर टू हज़ार एट फोर टू एट एटी एट इंटू ट्वेंटी एट है ओके सो एटी एट इंटू ट्वेंटी एट करके देखेंगे हम 8864 एट हज़ार सिक्सटी फोर सिक्स कैरी एट एट हज़ार सिक्सटी फोर प्लस फोर सेवनटीन ज़ीरो एट टू हज़ार सिक्सटीन वन कैरी एट टू हज़ार सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन फोर सिक्स फोरटीन टू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर एरिया कभी भी स्क्वायर में रहता है और सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर लूंगा मैं यहाँ पर ओके okay, तो यहाँ पर हमको आंसर मिल जाता है इसमें सेकंड क्वेश्चन है 10.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर चलो इसको भी हम सॉल्व कर देंगे आर इज इक्वल्स टू टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सो फिर से एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर सो पाई की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई ट फाइव सो ये ट्वेंटी देखो सेवन वन झार सेवन ओके फिर ये सेवन वन ऑर सेवन बचे थ्री और ये हो गया थर्टी फाइव सेवन फाइव थर्टी फाइव और डेसीमल पॉइंट के ऊपर डेसीमल पॉइंट फाइव ही आएगा वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन पॉइंट फाइव अब हम ट्वेंटी टू से 105 फाइव को मल्टीप्लाई करो या 1.5 को दोनों भी से एक करो उसके बाद में दूसरे को करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई सो ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट फाइव करता हूँ मैं फिफ्टीन टू जार थर्टी थ्री कैरी फिफ्टीन टू जार थर्टी प्लस थ्री थर्टी थ्री एक डेसिमल के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट ठीक है सो so, ये थर्टी थ्री पॉइंट जीरो तो थर्टी थ्री ही आएगा है ना और ये क्या होगा टेन पॉइंट फाइव सो फिर से टेन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय थर्टी थ्री सो फाइव थ्री हजार फिफ्टी वन कैरी थ्री जीरो जीरो प्लस वन वन थ्री वन थ्री थ्री हंड्रेड फिफ्टीन आया जब आपने थ्री से मल्टीप्लाई किया तो थ्री हंड्रेड फिफ्टीन आया जीरो लूँगा मैं फिर से वही आएगा देखो फाइव थ्री हज़ार फिफ्टीन वन कैरी थ्री जीरो जीरो प्लस वन वन थ्री वन थ्री आया थ्री हंड्रेड फिफ्टीन क्योंकि वही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम so, सो प्लस करूंगा मैं फाइव फाइव प्लस वन सिक्स थ्री प्लस वन फोर और थ्री जैसे कि वैसे यहाँ पे देखो एक के बाद डेसिमल पॉइंट है ये एक के बाद डेसिमल पॉइंट थ्री हंड्रेड फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव हमारा आंसर होना चाहिए सो थ्री हंड्रेड फोर्टी सिक्स सेंटीमीटर क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम सेवनटीन पॉइंट फाइव है सो so, थर्ड क्वेश्चन सेवनटीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ही है ये भी सो so सेंटीमीटर फिर से एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या है पाई आर स्क्वेयर सो पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन लेंगे हम ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मीन सेवनटीन पॉइंट फाइव का स्क्वेयर सेवनटीन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवनटीन पॉइंट फाइव सो ये देखो सेवन वन जार सेवन सेवन टू जार फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन बचे थ्री ये हो गए थर्टी फाइव सेवन फाइव आर थर्टी फाइव और पॉइंट के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट फाइव आएगा ये टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई सेवनटीन पॉइंट फाइव अब ये मल्टीप्लाई या डिवाइड में कैसे करता हूँ देखो बता दूँ क्या ये है सेवनटीन पॉइंट फाइव इससे सेवन से मैं डिवाइड कर रहा हूँ सो सेवन टू जार फोरटीन बचे थ्री ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट और फाइव आए नीचे सेवन फाइव आर थर्टी फाइव है ना इस टाइप से मैं ये हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ ओके okay? उसके बाद में है आ, ये टू पॉइंट फाइव तो लिखा ही नहीं मैंने ये लिख लिया शायद टू पॉइंट फाइव बस ट्वेंटी टू नहीं लिखा यह ट्वेंटी टू अब ये ट्वेंटी टू को अपन टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे सो ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाई टू पॉइंट फाइव सो ट्वेंटी फाइव टू जर फिफ्टी फाइव कैरी ट्वेंटी फाइव टूज फिफ्टी प्लस फाइव फिफ्टी फाइव और एक पॉइंट छोड़कर डेसिमल पॉइंट है तो एक पॉइंट छोड़कर ही डेसिमल पॉइंट लूंगा मैं फिफ्टी फाइव ही बचा सो so, ये हो गया फिफ्टी फाइव तो यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ मैं फिफ्टी फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवनटीन पॉइंट फाइव सो फिर सेवनटीन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी फाइव 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 ट्वेंटी फाइव टू कैरी सेवन फाइव हज़ार थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थ्री कैरी फाइव वन हजार फाइव प्लस थ्री एट एट हंड्रेड फाइव आया तो ये भी फाइव से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सो so, ये जीरो एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव सो so, प्लस करूंगा मैं फाइव प्लस जीरो फाइव सेवन प्लस ट्वेल्व वन कैरी एट प्लस एट सिक्सटीन वन कैरी एट प्लस वन नाइन और एक डेसिमल छोड़कर है इसलिए मैं एक डेसिमल छोड़ दूंगा सो नाइन हंड्रेड सिक्सटी टू पॉइंट फाइव नाइन हंड्रेड सिक्सटी टू पॉइंट फाइव हमारा आंसर होगा सो so, देखो स्टूडेंट ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन ये था सेकंड क्वेश्चन और ये था फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है सो ये कैलकुलेशन वगैरह इसको आपके ध्यान में बैठाने के लिए मैंने वहीं पर ही सॉल्व किया ठीक है सो आपको स्क्रीन शॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं यहां से मैंने सॉल्व कर दिया था उसके बाद चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम एरियाज ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो फाइंड देयर डायमीटर्स अब एरिया देकर है डायमीटर निकालना है देखो रेडियस नहीं निकालना है रेडियस के डबल रहती है डायमीटर कभी भी याद रखो यहाँ पर रेडियस देकर था एरिया पूछा था अब एरिया देकर है रेडियस पूछा है रेडियस के बाद डायमीटर निकालना पड़ेगा हमको ठीक है हमको पहले रेडियस पता चलेगी उससे हमको डायमीटर पता चल जाएगी तो फॉर्मूला तो वही है वैल्यू भी वैसे ही रखना है बस उसको घुमाना थोड़ा सा अलग टेक्निक से चलो उसको सॉल्व करते हैं हम सो so इसको लिख तो लिया है मैंने और इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर लिया है क्योंकि आपको वीडियो में दिखना भी चाहिए और प्रॉपरली सॉल्व होना भी चाहिए तो so फॉर्मूला तो वही रहेगा सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर ठीक है इनका भी वही एरिया रहेगा ठीक है वैल्यू चेंज रहेगी सिर्फ एरिया देकर है वन हंड्रेड सेवनटी सिक्स पाई की वैल्यू हम ट्वेंटी टू बाई सेवन लेते हैं और आर स्क्वेयर ये तो पता नहीं है बस यही तो निकालना है हमको ठीक है अब ये जो सेवन है इधर डिवाइड इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा होगा ना सो वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स ये सेवन इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई और ये जो ट्वेंटी टू है इधर मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा डिवाइड बाय ट्वेंटी टू और इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर ओके अब मेरे हिसाब से तो ये एलेवन के टेबल में है एलेवन टू जार ट्वेंटी टू एलेवन वन जार एलेवन बचे कितने सेवनटीन में से एलेवन माइनस करो आप सिक्स हो गए सिक्सटी सिक्स एलेवन सिक्स सिक्सटी सिक्स फिर ये टू वन जार फिर से टू और टू एट 16. सिक्सटीन so, सो यहाँ पर सिर्फ एट मल्टीप्लाई बाय सेवन ही बचा ये है आर स्क्वेयर सो एट सेवन जार फिफ्टी सिक्स टेकिंग स्क्वायर स्क्वायर रूट अब रूट लेंगे और स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या क्या हो हो जाएगा जाएगा 56 का क्या हो जाएगा? 56, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसको रूट के नीचे ले लो जिसका स्क्वायर रूट निकलता था तो उसको हम रूट के नीचे नहीं लेते थे उसका स्क्वायर रूट लिख देते थे अब रेडियस आई है अंडर रूट फिफ्टी सिक्स और रेडियस नहीं पूछा हमको क्या पूछा है डायमीटर और डायमीटर कभी भी रेडियस के डबल रहती है सो हेंस डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस आर सो टू रूट 56 ये है डायमीटर की वैल्यू और ये है हमारा आंसर यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाता है इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे हम कि एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम पाई आर स्क्वायर एरिया देकर है सो थ्री इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर फिर से 7 22 so, ये सेवन मल्टीप्लाई ट्वेंटी टू डिवाइड सो थ्री हंड्रेड नाइन्टी फोर पॉइंट टू फोर ये सेवन ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में और ट्वेंटी टू आ गया नीचे इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर बचेगा अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्वेंटी uh, टू से डिवाइड करके शायद देखना ही पड़ेगा सो so, मैं एक काम करता हूँ थ्री हंड्रेड नाइन्टी फोर पॉइंट ट्वेंटी फोर को ट्वेंटी टू से डिवाइड करके देखता हूँ इधर सो थ्री हंड्रेड 94.24 इसको डिवाइड करके देखेंगे हम 22 से सो ट्वेंटी टू वन जार ट्वेंटी टू नाइन में से टू गए सेवन थ्री में से टू माइनस करो वन नीचे आए फोर सेवन सेवन टू जार फोरटीन वन कह रही सेवन टू जार फोरटीन प्लस वन फिफ्टीन ट्वेंटी टू सेवन जार ट्वेंटी टू सेवन ज़ार कितने होते वन फिफ्टी फोर वन फिफ्टी फोर फोर में से फोर माइनस जीरो सेवन में से फाइव माइनस टू वन में से वन माइनस जीरो ये डेसिमल पॉइंट है उसके ऊपर डेसिमल पॉइंट दे देता हूँ मैं टू आ गए नीचे ओके ये होगा टू हंड्रेड so टू सो नाइन से होगा शायद सो ट्वेंटी टू नाइन जार नाइन टू जार एटीन वन 1 रही नाइन टू जार एटीन प्लस वन नाइनटीन ट्वेंटी टू नाइन जार वन हंड्रेड नाइन्टी एट माइनस कर रहा हूँ मैं सो वन टेन नाइन ट्वेल्व ट्वेल्व में से एट गए फोर एलेवन में से सॉरी नाइन में से नाइन गए जीरो और फोर ही बचेंगे ठीक है नीचे आए फोर और ट्वेंटी टू टी जर ट्वेंटी टू टू फोर्टी फोर और ये बचे ज़ीरो देखो इस तरह से मैंने डिवाइड किया है डिवाइड को अब एक्सप्लेन करके वीडियो में बड़ा नहीं बनाना चाहता तो ट्वेंटी टू से जब मैंने थ्री हंड्रेड नाइन्टी फोर पॉइंट टू फोर को डिवाइड किया तो तब सेवनटीन पॉइंट नाइन टू ये आंसर आया मेरा सो ट्वेंटी टू से डिवाइड करने के बाद सेवनटीन पॉइंट नाइन टू और ये मल्टीप्लाई बाय सेवन इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अब इसको मुझे सेवन से मल्टीप्लाई करके देखना होगा सो सेवनटीन पॉइंट नाइन टू मल्टीप्लाई बाय सेवन सेवन टू जार फोरटीन वन कैरी नाइन सेवन जार सिक्सटी थ्री प्लस वन सिक्सटी फोर सिक्स कैरी से ये देखो सेवन सेवन जार फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन प्लस वन फिफ्टी प्लस फाइव फिफ्टी फाइव फाइव कैरी सेवन वन जार सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व एक दो एक दो वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेवन टू जार वन कैरी नाइन सेवन हजार सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री प्लस वन सिक्सटी फोर सिक्स कैरी सेवन सेवन हजार फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन प्लस वन फिफ्टी प्लस वन फिफ्टी फाइव फाइव कैरी सेवन वन जार सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व वन ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर फोर ये उसका आंसर आ रहा है मेरा सो वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर फोर इज टू आर और अब इसका स्क्र रूट लेने का टाइम आ गया हमारे पास अब इसका स्क्र रूट लेने के लिए ये पॉइंट फोर फोर को तो फिलहाल में हम देखेंगे थोड़ी देर बाद वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ये लगभग एलेवन का स्क्वा है यानी एलेवन के टेन का स्क्वायर हंड्रेड एलेवन का स्क्वायर वन हंड्रेड ट्वेंटी वन सो so, 11 के स्क्वायर के आसपास है ये और इधर पॉइंट फोर है इसका मतलब इसको 11.2 ये हो सकता है इसका स्क्वायर सो so, 11.2 का स्क्वायर करके हम देखेंगे कि सच में वही स्क्वायर है या नहीं सो एलेवन पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय एलेवन पॉइंट टू 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 जार फोर टू वन जार टू टू वन जार टू ज़ीरो टू वन जार टू वन वन जार वन 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 जार वन ज़ीरो ज़ीरो टू वन जार टू वन वन जार वन वन झार वोर फोर फाइव टू वन और ये एक और ये दो, दो decimal point है, ये दो डेसिमल पॉइंट देखो वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर फोर आया है और वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर फोर यही था यानी कि इसका स्क्वायर रूट ये है एलेवन पॉइंट टू सो हेंस आर इज इक्वल टू एलेवन पॉइंट टू ठीक है सो so, ये हो गया रेडियस बट हमको रेडियस नहीं पूछते हमको डायमीटर पूछा है सो डायमीटर डी इज इक्वल टू टाइस इंटू रेडियस सो टू इंटू एलेवन पॉइंट टू 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 जर फोर टू वन जार टू टू वन जार टू एक डेसिमल छोड़कर है सो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ये देखो यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर था एरिया इसलिए ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर ठीक है तो इस टाइप से हमको उसको सॉल्व करना होता था ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल फिर से वही फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर सो वन टू फोर सेवन फोर इज इक्वल्स टू ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू आर स्क्वेयर ये ट्वेंटी टू बाई सेवन उधर जाने के बाद रेसी प्रोकल हो जाता है ये सेवन इधर मल्टीप्लाई टू ट्वेंटी टू इधर डिवाइड सो ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी फोर ये मल्टीप्लाई बाय सेवन डिवाइड बाय ट्वेंटी टू इज आर स्क्र फिर से हम इसको ट्वेंटी टू से डिवाइड करके देखते हैं सो ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी फोर इसको हम डिवाइड करके देख रहे हैं ट्वेंटी टू से फाइव फाइव टू सारा टेन वन कैरी फाइव टू टेन प्लस जब देखो ट्वेंटी टू को फाइव से मल्टीप्लाई करके देखा मैंने ट्वेंटी टू फाइव सारा वन हंड्रेड टेन होता है सो वन हंड्रेड टेन फोर वन नीचे आए सेवन सिक्स से मल्टीप्लाई करके देखेंगे सिक्स टू जार ट्वेल्व वन कैरी सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन सो सिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं तो वन हंड्रेड थर्टी टू आया सेवन में से टू माइनस करो फाइव फोर में से थ्री माइनस करो वन नीचे आए फोर अब इसको सेवन से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं सेवन टू जार फोरटीन वन कैरी सेवन टू जार फोरटीन प्लस वन फिफ्टीन ट्वेंटी टू सेवन जार वन फिफ्टी फोर होते हैं सो वन फिफ्टी फोर में से वन फिफ्टी फोर माइनस जीरो डेसीमल पॉइंट तो कहीं पर है ही नहीं इसका मतलब सिर्फ फाइव हंड्रेड सिक्सटी सेवन आंसर आया ये दोनों के डिवीजन का सो फाइव हंड्रेड सिक्सटी सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन इज इक्वल टू आर स्क्वेयर फिर से अब डायरेक्ट मैं सेवन से मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल करके बताता हूँ आपको जैसे समझ में आएगा वैसे नहीं तो आप डायरेक्ट ये जैसे मैंने वर्टिकल मल्टीप्लाई डिवीजन किए वैसे कर सकते हो आप सो सेवन सेवनजार फोर्टी नाइन फोर कैरी सिक्स के ऊपर लिखा मैंने सेवन सिक्स हज़ार फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर कैरी सेवन फाइव जार थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस फोर थर्टी नाइन थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी नाइन ये आया है आर स्क्वायर अब टेकिंग स्क्वेयर रूट रेडियस का स्क्वायर मतलब स्क् रेडियस का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट मतलब सिर्फ रेडियस स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी नाइन सिक्सटी का स्क्वायर थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है और वंस प्लेस में नाइन है इसका मतलब मेरे हिसाब से सिक्सटी थ्री इसका स्क्वेयर रूट होना चाहिए अब वो है कि नहीं वो देखता हूँ मैं सिक्सटी थ्री को सिक्सटी थ्री से ही मल्टीप्लाई करके देखता हूँ अगर आंसर ये आया तो समझो वो स्क्वेयर है सो सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी थ्री 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 हजार नाइन सिक्स थ्री हजार एटीन जीरो सिक्स थ्री हजार एटीन वन कैरी सिक्स सिक्स हजार थर्टी सिक्स प्लस वन थर्टी सेवन नाइन प्लस जीरो नाइन एट प्लस एट सिक्सटीन वन कैरी सेवन प्लस वन एट प्लस वन नाइन और थ्री जैसे के वैसे थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी नाइन और थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी नाइन ही है इसका मतलब सिक्सटी थ्री उसका स्क्वायर रूट हुआ सो so, इसका स्क्वायर रूट है सिक्सटी थ्री और डायमीटर पूछे है डायमीटर मतलब टू इंटू रेडियस होता है कभी भी सो इसवस टू टू इंटू सिक्सटी थ्री अब इसको डायमीटर निकालने के लिए हमको थ्री सिक्सटी थ्री को टू से मल्टीप्लाई करना होगा थ्री टू ज़ार सिक्स सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर ये हमारा एरिया हमको मिल जाता है तो देखो स्टूडेंट ये तीनों भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया एक्सप्लेन किया आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हो और खुद सॉल्व करके आपको देखना ही है ऐसे ही नहीं कि सिर्फ देखते जाओ और लिखते जाओ खुद सॉल्व करके देखोगे आप तो आपको भी अच्छी तरह से समझ जाएगा और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर वो जिंदगी भर इंसान भूलता नहीं है उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड है डायमीटर ऑफ अ सर्क्यूलर गार्डन इज फोर्टी टू मीटर एक सर्क्यूलर गार्डन है जिसकी डायमीटर है फोर्टी टू मीटर यानी कि देखो ये गार्डन है अंदर का और ये बाहर जो आ, बड़ा सर्कल है वो है उसका रोड ठीक है और इसकी जो डायमीटर देकर है ना ये है उसकी डायमीटर है ना सो so, डायमीटर है फोर्टी टू मीटर की ओके okay. उसके बाद देयर इज अ थ्री पॉइंट फाइव मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन ये गार्डन के अराउंड जो रोड है उसकी विर्थ वो कितना चौड़ा है कितना बड़ा रोड है वो थ्री पॉइंट फाइव मीटर का यानी कि ये है थ्री पॉइंट फाइव मीटर थ्री पॉइंट फाइव मीटर इतना चौड़ा ये रोड है है ना और फाइंड द एरिया ऑफ द रोड और ये रोड का एरिया हमको पूछा गया है अब मुझे एक बात बताओ कि कैसे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं रोड का अगर आपने बिगर सर्कल का एरिया निकाला उसमें से अगर स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस कर दिया तो बचा हुआ एरिया इस रोड का ही रहेगा ना एक ही नहीं सही बात अब दूसरी बात ये आती है कि दूसरा सवाल हमारा ये तैयार होना चाहिए कि एरिया कैसे निकाले अब एरिया कैसे निकालते हैं आप पाएर स्क्वायर और आर पाए आर स्क्वायर में आर क्या है रेडियस अब रेडियस कैसे पता करें देखो यहाँ पर 42 मीटर की डायमीटर है तो 42 के हाफ अगर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 ये हो जाएगी रेडियस इनर सर्कल की 21 मीटर ये रेडियस है अंदर के सर्कल की और उसमें अगर 3.5 आप प्लस करते हो सो 21 वन प्लस थ्री पॉइंट फाइव ट्वेंटी ये जो रेडियस बन जाएगी ये हो जाएगी 24.5 की जो के है आउटर सर्कल की रेडियस बस फॉर्मूला यूज करना है माइनस करना है दोनों के एरिया में से और जो आंसर आएगा वो रोड का एरिया रहेगा है ना इजी तो चलो हम उसको ही सॉल्व करते हैं सो डायमीटर ऑफ गार्डन इसको ही मैं ब्रैकेट में लिखता हूं इनर सर्कल इनर सर्कल इसकी डायमीटर क्या है 42 मीटर हेंस रेडियस कितनी होगी 42 का हाफ रेडियस कभी भी, भी डायमीटर के हाफ रहती है सो ये होगी 21 मीटर देखो टू टू जार फोर टू वन टू ठीक है यहां तक आया समझ में सो हिंस एरिया ऑफ इनर सर्कल इनर सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वेयर सो ये 22 टू अप सेवन पाई की वैल्यू 22 टू बाई सेवन ली है मैंने और आर स्क्वायर मीन रेडियस का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर मीनस वही नंबर का वही नंबर से मल्टीप्लाई सो ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी वन सो सेवन वन जार सेवन सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन सो ये बचा यहाँ पर सिर्फ ट्वेंटी टू और ये थ्री वन ज़ार थ्री थ्री टू ज़ार सिक्स अब हम सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी टू करेंगे सो सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टू सो थ्री टू जार सिक्स सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व ज़ीरो थ्री टू ज़ार सिक्स सिक्स टू ज़ार 12 प्लस करेंगे हम सिक्स प्लस जीरो सिक्स सिक्स प्लस टू 8 टू प्लस वन थ्री वन जैसे सो वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी सिक्स क्योंकि गार्डन है तो मीटर में ही रहेगा और मीटर में देकर भी हमको ये आ गया इनर सर्कल का एरिया ठीक है अब चलते हैं हम आउटर सर्कल की तरफ सो नाउ रेडियस ऑफ आउटर सर्कल आउटर सर्कल की रेडियस क्या रहेगी इनर सर्कल रेडियस इनर सर्कल रेडियस प्लस विड्थ ऑफ रोड अंदर की रेडियस प्लस रोड की जो रेडियस भी बोलो अब विड्थ बोलो उसको तो ये होगी ट्वेंटी वन अभी निकली थी मीटर और ये तो थ्री पॉइंट फाइव मीटर उन्होंने दिया है सो थ्री पॉइंट फाइव मीटर इसकी अगर हम प्लस करें सो पॉइंट फाइव जैसे कि वैसे ट्वेंटी वन प्लस थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव मीटर आएगा ये आउटर सर्कल का एरिया नाउ एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या है आउटर सर्कल का एरिया स्क्वायर फिर से ट्वेंटी टू बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर मीन्स आउटर रेडियस ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव इसका होल स्क्वायर मीन्स इसको ही मल्टीप्लाई बाय वही नंबर ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सेवन वन सेवन सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन बचे थ्री डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट और सेवन फाइव जार सेवन फाइव जार थर्टी फाइव देखो कैसे सॉल्व किया मैंने ये है ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव इसको मैंने डिवाइड किया है सेवन से सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन फोर में सेवन माइनस करो थ्री पॉइंट के ऊपर पॉइंट फाइव आए नीचे सेवन फाइव हजार थर्टी फाइव आता है ना आंसर रिमाइंडर ज़ीरो आया तो ये थ्री पॉइंट फाइव है सो ट्वेंटी टू को मैं डायरेक्ट थ्री पॉइंट फाइव से पहले मल्टीप्लाई नहीं करता मैं डायरेक्ट पहले नंबर ही लिख देता हूँ अब हम एक एक, एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम करेंगे ट्वेंटी टू को थ्री पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई सो फाइव टू ज़ार टेन वन कैरी फाइव टू जार टेन प्लस वन एलेवन फिर लूँगा जीरो मैं थ्री टू जार सिक्स थ्री टू ज़ार सिक्स जीरो सिक्स प्लस वन सेवन सिक्स प्लस वन सेवन एक डेसीमल छोड़कर पॉइंट है इसलिए यहाँ पर पॉइंट दूंगा मैं एक डेसीमल छोड़कर ही या आया सेवेंटी सेवन सिर्फ सो तो ये है इन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है सेवनटी सेवन और ये है मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव अब सेवनटी सेवन को ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करूँगा मैं सो ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवन सेवन फाइव थर्टी फाइव थ्री कैरी सेवन फोर हजार ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थ्री कैरी सेवन टू जार फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन ठीक है जीरो अब फिर से सेवन से ही मल्टीप्लाई करने वाले तो यही नंबर आएगा ना सो so फिर फाइव वन सेवन वन प्लस करूंगा मैं फाइव प्लस जीरो फाइव फाइव प्लस वन सिक्स सेवन प्लस वन एट सेवन प्लस वन एट वन जैसे कि वैसे ये एक डेसिमल छोड़कर है इसलिए एक डेसिमल छोड़कर ही मैं डेसिमल पॉइंट देने वाला हूँ सो so इसका आंसर जो आया वो हमारा हाफ आंसर है के वन थाउजेंड एट हंड्रेड एटी सिक्स पॉइंट फाइव स्क्वेयर मीटर यह आंसर है अब आउटर सर्कल का एरिया उसमें से माइनस करो इनर सर्कल का एरिया रोड का एरिया आपको पता चल जाएगा सो हिंस एरिया ऑफ रोड एरिया ऑफ रोड क्या रहेगा एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल आउटर सर्कल का एरिया 1886.5 थाउजेंड एट हंड्रेड एटी सिक्स पॉइंट फाइव माइनस इनर सर्कल का एरिया 1386, सो 1386, तो इसको चलो माइनस करते हैं हम so, सो 1886.5 इसमें से माइनस करेंगे हम 1386.05 फाइव जैसे कि वैसे डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो एट माइनस एट जीरो एट माइनस थ्री फाइव वन माइनस वन जीरो फाइव हंड्रेड पॉइंट फाइव सो फाइव हंड्रेड पॉइंट फाइव स्क्वेयर मीटर ये आया है एरिया ऑफ द रोड और वही क्वेश्चन हमको पूछा गया था तो देखो एक बार आप स्क्रीन वगैरह ले सकते हो कि हमने क्या किया पहले इनर सर्कल की रेडियस निकाल ली उसके हिसाब से हमने एरिया भी निकाल लिया फिर आउटर सर्कल की रेडियस निकाल ली उसके हिसाब से हमने एरिया निकाल लिया और आउटर सर्कल के एरिया से इनर सर्कल का एरिया जब हमने माइनस किया तब हमको रोड का एरिया पता चल गया

तो इसको पेरीमीटर बोलते थे ना तो पेरीमीटर ट्राइंगल में रेक्टेंगल में स्क्र में पेरीमीटर बोलते हैं और सर्कल में सरकम बोलते हैं और इस सरकम का फॉर्मूला है टू पाए आर ठीक है तो ये है उसका फॉर्मूला और ये जो टू पाई आर है इसकी वैल्यू देकर है एटी एट इस पर से हम रेडियस निकाल सकते हैं और रेडियस पता चल गया तो एरिया तो अभी तक हम निकाल ही रहे है ना तो एक ही काम करेंगे हम सरकम फरंस ऑफ सर्कल देकर है सो so सरकम Of circle is equals to 2 pi, r, यही circumference 88 cm, 88 is equals to 2 into, pi means by लेता मैं into r, पता नहीं है इसलिए आर ही लिखूंगा मैं सो so 88 ये सेवन इधर डिवाइड है इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई ये टू और ट्वेंटी टू इधर मल्टीप्लाई है इधर आने के बाद डिवाइड इज इक्वल्स टू आर सो ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी क्या सिर्फ सेवन इन टू इक्वल्स टू आर सो हेन्स रेडियस कितनी आई सेवन टू जार फोरटीन सेंटीमीटर अब रेडियस मिल गई अब तो एरिया पूछा है अब एरिया के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सो एरिया ऑफ सर्कल क्या है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्कोर सो ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर स्क्वायर मीन्स फोर्टीन का स्क्वायर और फोर्टीन का स्क्वायर मीन्स फोरटीन इंटू फोरटीन सेवन वन जार सेवन सेवन टू जार फोरटीन सो ट्वेंटी टू टू जार फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय फोर्टीन सो फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय फोर्टीन करेंगे हम फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय फोर्टीन फोर्टीन फोर जार फिफ्टी सिक्स फाइव कैरी फोर्टीन फोर जार फिफ्टी सिक्स फिफ्टी से सिक्स प्लस फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन एट नाइन टेन एलेवन सिक्स हंड्रेड सॉरी सिक्सटी वन सो सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन स्क्वायर सेंटीमीटर सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन स्क्वेयर सेंटीमीटर ये आया है एरिया ऑफ सर्कल सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन स्क्वायर सेंटीमीटर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था इतना कुछ हार्ड और फास्ट क्वेश्चन नहीं था तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 15.6 पॉइंट सिक्स करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो अगर पसंद आते होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड में शेयर करो बेल आइकॉन को प्रेस करो क्योंकि नाइन्थ और टेंथ की भी वीडियो मैं बनाते रहता हूँ और बनाकर हमें भी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय